हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो फ्रेंड्स, एक मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है जिसका नाम है काकोदा। इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगे रितेश देशमुख, सोनाक्षी सिन्हा और शकीब सलीम। तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के ट्रेलर के बारे में, और ये सब जानने के लिए आपको मेरी वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। स्त्री मूवी के मेकर्स के एक हॉरर कॉमेडी मूवी रिलीज हुई थी, वो थी मुंजिया। मुंजिया मूवी काफी अच्छी थी, ऑडियंस को बहुत पसंद आई थी, लोगों ने इस मूवी को बहुत प्यार दिया था। इसी मूवी के डायरेक्टर की ये मूवी है काकोदा। मूवी का फिलहाल ट्रेलर रिलीज हुआ है जो देखने में काफी अच्छा और काफी मजेदार लग रहा है। सिग्नल तो मिल नहीं रहा। अभी तो सोरो होगो, सोने दो। ट्रेलर के अकॉर्डिंग जो मूवी की स्टोरी सामने आई है वो ये है कि एक गांव है रतौड़ी नाम का, जो कि एक शापित गांव है। इस गांव में जितने भी घर हैं, हर घर में दो दरवाजे हैं, एक बड़ा दरवाजा और एक छोटा दरवाजा। हर घर का छोटा दरवाजा काकुदा के लिए है, जो मंगलवार रात को 7:15 बजे आता है। अगर कोई इंसान अपने घर का दरवाजा काकुदा के लिए नहीं खोलता तो काकुदा 13वें दिन इस इंसान का किस्सा खत्म कर देता है। मतलब काकुदा 13वें दिन उस इंसान को मार देता है। इस काकुदा से पीछा छुड़ाने के लिए सोनाक्षी सिन्हा बुलाती हैं रितेश देशमुख को, जो कि एक घोस्ट हंटर हैं। और ये जो काकुदा है ये भी कोई इंसान नहीं है, ये भी एक भूत है। अभी जो घोस्ट की चेजिंग है और हंटिंग है उसकी एक छोटी सी झलक दिखाई गई है मूवी के ट्रेलर में, जो देखने में काफी अच्छी और काफी इंटरटेनिंग लग रही है। मूवी के ट्रेलर के अकॉर्डिंग ये भी लग रहा है कि इस मूवी में सबने एक्टिंग काफी अच्छी की है। पहले ये डिसाइड किया गया था कि इस मूवी को थिएटर्स पे रिलीज करेंगे, लेकिन उसके बाद मेकर्स ने ये सोचा कि हमारी ऑडियंस को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए इस मूवी को थिएटर पे रिलीज ना करके ओटीटी के प्लेटफॉर्म पे रिलीज करने का डिसाइड किया गया। अब आप लोगों को कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आप घर बैठे इस मूवी को देख सकते हैं, और ये मूवी 12 जुलाई को Zee5 पे रिलीज हो जाएगी। मूवी का ट्रेलर देख के पता लग रहा है कि इस मूवी को देख के लोगों के डर के मारे हंसी निकल जाएगी, क्योंकि मूवी कुछ है ही ऐसी। अगर आप इस गांव रतौड़ी का राज जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि काकुदा का कौन सा शाप इस गांव को लगा है और काकुदा ये सब क्यों करता है, तो वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी के आने का वेट करना पड़ेगा। तब तक याद रखना कि हर मंगलवार शाम को 7:15 बजे अपने घर के दरवाजे खुले रखना, क्योंकि काकुदा आ रहा है। अब इस घोस्ट और घोस्ट हंटर की चेजिंग कैसे होने वाली है, हम लोगों को कितना एंटरटेन करने वाली है, वो सब तो मूवी के आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल ये था मेरा रिव्यू इस मूवी के ट्रेलर को लेकर। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।